सस्पेक्टेड इमेजेस है वो आप इसके अंदर पे स्टोर कर सकते हो। प्लस ये आपके कंट्रोल रूम में आपका और भी आप फेसेस 3000 इसके अंदर और वहाँ पे एन नंबर ऑफ फेसेस आप स्टोर कर सकते हो। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त हमारा आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम बैक टू माय चैनल और आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ सिक्योरिटी एक्सपो 2022 में जो शुरू हो चुका है प्रगति मैदान में। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो आप देख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत की पहचान है और ये काफ़ी तरीके के सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड जैसे सीसीटीवी कैमराज और भी काफ़ी इक्विपमेंट्स बनाते हैं। आज इन्हीं से बात करने वाले हैं। अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स की नीड है या इस तरह की बिजनेस में आप हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो मैम, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपना? हम मालविका पाठक, हम वीपी आरएनडी एट समृद्धि ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी 20 साल से सीसीटीवी कैमरास बना रही है इंडिया में। हम प्योर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, पूरी अपनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आरएनडी है। तो हम सारे प्रोडक्ट इंडिया में डिज़ाइन एंड डेवलप कर रहे हैं। हम अपने जो मोदी जी का विजन है मेक इन इंडिया उसको आगे ले जा रहे हैं। मतलब सारी जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर शोकेस, सारे इन हाउस डिजाइनिंग है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। बिल्कुल सारे प्रोडक्ट अपने डिजाइन है। अच्छा, यहाँ पर आपकी ऑफिसेज कहाँ है, प्रोडक्शन कहाँ से होते हैं? हमारी प्रोडक्शन जो है हरिद्वार सिद्धकुल में है। वहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग, हमारी हरिद्वार में दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। एक यूनिट हमारी नोएडा में है और एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारा नया काशीपुर उत्तराखंड में आने वाला है, जिसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग मंथली कैपेसिटी होगी 1 मिलियन कैमराज पर मंथ। 1 मिलियन कैमराज पर मंथ? करेक्ट, यू हर्ड इट करेक्टली। हम एक्चुअली ब्रांड स्पर्श के अलावा 9 अदर ब्रांड्स के लिए भी मैन्युफैक्चर करते हैं, वाइट लेबलिंग ओईएम्स भी करते हैं। यस, तो ये है कि आपकी जो ये बिजनेस है फ्लेक्सिबल है, आप ओईएम से हो, ओईएम्स करवाना चाहते हैं उस तरह से भी जुड़ सकते हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं या डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर आप बल्क में ऑर्डर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम वाइट लेबलिंग भी करते हैं और अपने ब्रांड स्पर्श से तो हम मैन्युफैक्चरिंग करते ही है। तो यहाँ पर काफ़ी प्रोडक्ट आपने शोकेस किए हैं, कुछ प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं किस तरह का वर्किंग होते हैं और क्या। हाँ, रेगुलर प्रोडक्ट जो सीसीटीवी कैमरास है जो होम यूज़ में ऑफिस यूज़ में होते हैं वो तो मैन्युफैक्चर कर ही रहे, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ स्पेशलाइज प्रोडक्ट है जो हमने डेवलप कर रखे हैं। जैसे कि ये कैमरा है, ये टॉर्च कैमरा है जो कि हैंड हेल्ड डिवाइस है, बेसिकली इट लुक लाइक ए टॉर्च। ठीक है, रात में आपकी ये वाइट LED से आपका 10 मीटर तक की आपकी रेंज भी कवर होती है और इसमें जो कैमरा लगा वो फेस रिकॉग्निशन इनेबल्ड है, प्लस इसमें 4G इनेबल्ड है, आप सिम कार्ड डालो और ये 4G स्ट्रीम कर सकता है। अच्छा। इसमें आप 3000 तक के फेसेस स्टोर कर सकते हो, जैसे कि आपका कोई ब्लैक लिस्टेड है, टेररिस्ट हो गया या फिर आपका सस्पेक्टेड इमेजेस है वो आप इसके अंदर पे स्टोर कर सकते हो। प्लस ये आपके कंट्रोल रूम में आपका और भी आप फेसेस 3000 इसके अंदर और वहाँ पे एन नंबर ऑफ फेसेस आप स्टोर कर सकते हो। जैसी कोई सस्पेक्टेड इमेज आपकी पर्सन आपके अंदर मतलब फील्ड ऑफ व्यू में आएगा, ये एकदम से वाइब्रेशन अलर्ट देगा ताकि ऑफिसर जो है उसे पता चल जाएगा कि ये हमारा कोई सस्पिशियस पर्सन डिटेक्ट हुआ है। तो इसकी रेंज कुछ होने वाली नहीं है क्योंकि ये सिम पर वर्क करेगा तो कहीं से भी स्ट्रीम कर सकते हैं। हाँ, ये 4G इनेबल्ड है तो हमारा सारा डेटा जो आप देखोगे ये फेस रिकॉग्निशन है, हम लिखा रखा है कि यहाँ पे ये ब्लैक लिस्टेड फेसेस को कर रहा है। फिर अलर्ट जो है ये आपका गवर्नमेंट सब हम CDOT का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ उसके थ्रू ये क्लाउड पे आपका इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, प्लस आपको एक ऑफिसर को भी अलर्ट कर रहा है कि यहाँ पे कोई सस्पिशियस पर्सन है। तो जिससे उसे फर्दर कोई एक्शन लेना है, अरेस्ट करना है या फिर कुछ फर्दर एक्शन करना है तो वो कर सके। और कोई ऐसी विजुअल इंडिकेशन नहीं है कि सस्पेक्टेड है, उसको नहीं पता चल रहा है, ये सिर्फ ऑफिसर को पता चल रहा है कि वो सस्पिशियस पर्सन है। तो ये एक स्पेशल, सामने वाले को भी पता नहीं लग रहा कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है। करेक्ट। तो ये एक हमारा प्रोडक्ट है जो हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है। फिर और भी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमने वर्टिकल वाइज डिज़ाइन कर रखे हैं। ये सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, हाउसिंग है, कैमराज है, जो हमने इंडिया में ही मैन्युफैक्चर एंड डिज़ाइन कर रखे हैं। फिर आप ये देखेंगे एयरपोर्ट के लिए स्पेशलाइज्ड कैमराज है हमारे पास, ये भी फेस रिकॉग्निशन इनेबल्ड है, वहाँ से फेस आपके फेस डेटा डाल सकते हो, वो अगर वहाँ पर मैच होता है तो आपका गेट हम एक्सेस दे सकते हैं, ये इंटीग्रेट हो सकता है। वो आपके पास फिक्स कैमराज है अप टू 50 मीटर रेंज, वो वैंडल प्रूफ कैमराज है, इसमें अगर हैमर से भी हीट करोगे तो वो कैमरा टूटेगा नहीं आपका, ये एक सोल्यूशन है। सो यहाँ पर जो भी फेस है आप उसको ब्लैक लिस्टेड है, आप यहाँ पर इसमें वो फीड कर दो, एप्लीकेशन है। बाकी नॉर्मल सर्विलेंस जो होती है ऑपरेशनल की, आपने पूरा रिकॉर्डिंग करनी है, देखना है कोई AI चलानी है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट कोई अपना बैग छोड़ गया या सस्पिशियस बैग छोड़ा है तो उसको भी वो डिटेक्ट कर सकता है। इस तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कैमरा उसके साथ में हम और रन कर सकते हैं फॉर एयरपोर्ट। फिर
फिर ये है हमारा पावर ग्रिड के लिए है, ये स्पेशलाइज कैमरे होते हैं जो हाई टेंशन एरियाज में काम करते हैं, मतलब हाई वोल्टेज लाइन्स पे काम करते हैं, तो स्पेशली जहाँ पे हाई वोल्टेज पावर हाउस होते हैं वहाँ पे ये कैमराज लगते हैं। जैसे ये पीटीसी कैमरा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स हो गए, फैंस हो गई, पावर स्टेशन हो गए, तो वहाँ पे ये लगते हैं। ये पीटीसी कैमरा है, 360 रोटेट करता है, पैन टिल्ट जूम कर सकता है, प्लस आप इसमें पोजीशन फिक्स करते हो कि हर 5 सेकंड में एक जगह जाएगा, फिर दूसरी जगह जाएगा, तीसरी जगह जाएगा, तो इस तरीके से ये पीटीसी कैमराज होते हैं। फिर वो फिर से फिक्स कैमराज है और वो डोम कैमराज है, बट ये स्पेशलाइज्ड है इसके लिए। इसमें इसमें हमने इस तरीके की सर्किटरी डाली होती है कि वो इस हाई टेंशन वोल्टेज एरिया में भी कैमरा परफेक्टली काम करेगा, परफेक्टली वर्क कर सके। एक और ये हमारे स्पेशलाइज्ड कैमरा है, एक्सप्लोजन प्रूफ कैमरा है। अगर कोई ब्लास्ट होता है एक्सप्लोजन प्रूफ कैमरा, तो उस एनवायरमेंट में भी ये सस्टेन करते हैं, ये ब्रेक नहीं होते हैं। तो ये एक्सप्लोजन प्रूफ पीटीजी है विद वाइपर्स, ऑटो सेंसिंग वाइपर। अगर रेन होती है तो ये ऑटोमेटिकली सेंस करता है और ये क्लियर कर देता है लेंस को। ये फिक्स बुलेट है और ये डोम है, ये तीनों कैमरा आपके एक्सप्लोजन प्रूफ है। तो यहाँ पर मेटल आपने SS यूज़ किया? हाँ, स्टेनलेस स्टील है, 316L है, ये ग्रेड जो होता है एक्सप्लोजन के लिए। एक्सप्लोजन हो या किसी भी तरह का वेदर हो उसमें ये, हाँ, कोरोजन एनवायरनमेंट में भी हम 304 SS स्टील हम यूज़ करते हैं। कोरोजन में मरीन एप्लीकेशन में वहाँ पे भी ये कैमरा जा सकता है। तो ये ऑयल एंड गैस इसका मेन वो है जहाँ पे हम इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर हम ये एक सोल्यूशन है, ये रेलवे के लिए स्पेशली है। ये वाले प्रोडक्ट्स जो है हमारे रेलवे में जो प्रोडक्ट जाता है वो RDSO कंप्लाइंट होता है, RDSO स्पेसिफिकेशन होते हैं, वो स्पेशली रेलवेज के लिए होते हैं। तो ये हमारा NVR है जिसपे कैमरा कनेक्टेड होते हैं, और ये आपके RDSO कंप्लाइंट कैमराज है। अच्छा, क्या इसमें खास क्या होते हैं? बेसिकली रेलवे की एक डिवीजन है RDSO जो स्पेसिफिकेशन डिफाइन करता है कि रेलवे के अंदर क्या प्रोडक्ट जाएगा और किस स्पेसिफिकेशन का जाता है। तो ये प्रोडक्ट वो स्पेसिफिकेशन मीट करते हैं, जिसमें हमारा अभी लेटेस्ट में रेलवे में ऐड किया है साइबर सिक्योरिटी, तो वो हमने इसमें ऐड ऑन किया है। इसमें 2 MP 4K तक के कैमराज होते हैं, प्लस NVR होते हैं, फेस रिकॉग्निशन है। फिर ये लोकोमोटिव्स के लिए हमारे पास सोल्यूशन है जो वैंडल प्रूफ हो गया, और ये एक तरीके का हमने दिखाया भी हुआ है, लोकोमोटिव दिखा भी रखा है कि ये वैंडल पीटीजी हम इसमें लगा, वैंडल कैमराज लगा सकते हैं, पीटीजी लगा सकते हैं, रूफटॉप माउंटेड। तो ये एक सोल्यूशन है। और जैसे ये सबको ट्रैफिक के लिए, हाँ, ये हमारा है लेज़र पीटीजी है, अप टू 500 meters नाइट विजन कवर करता है। डे टाइम में ये आपका 1.5 किलोमीटर तक जाएगा और नाइट में ये आपका 500 meters तक कवरेगा बिल्कुल जी। हाँ, और इसमें भी आपका रेन सेंसिंग वाइपर है और लेज़र है, लेज़र फिटेड है। अच्छा, तो ये खुद से अपने आप को साफ कर सकता है और किसी, करेक्ट, वाओ, डस्ट भी वाटर भी, तो ये अपने आप क्लीन कर सकता है। ये बॉडी वन कैमरा है जो ऑफिसर्स अपने पॉकेट में वेयर कर सकते हैं। इसमें 13 hours का बैटरी बैकअप होता है, इसमें भी फेस रिकॉग्निशन बिल्ट इन है, 4G इनेबल्ड है, इससे लाइव स्ट्रीम आपके कंट्रोल रूम में जा सकती है, और 13 एक शिफ्ट का पूरा इसमें स्टोरेज रहती है, इसके अंदर स्टोर रहती है। जब ऑफिसर शिफ्ट एंड करके आते हैं तो ये डॉक स्टेशन रहता है, इसमें वो प्लग इन कर देगा, सारा बैकअप ऑटोमेटिकली इसके अंदर चला जाएगा। प्लस ये डॉक स्टेशन भी आपके जितने मल्टीपल डॉक स्टेशन होंगे वो एक सर्वर पर कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे सारा डेटा आपका एक जगह पे सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो ये है कि यहाँ पर जिस तरह की यूरोपियन कंट्रीज में आप देखते हो कि वहाँ का सिक्योरिटी पर्सनल जो है, यूरोपियन कंट्री नहीं, अब हमारी भी बहुत सारी कंट्रीज़ में ये ऑलरेडी हो चुका है। हमने बैंगलोर सेफ सिटी में हम मोर देन 800 PC सप्लाई किए हैं, पंजाब पुलिस में किए हैं, हरियाणा में किए हैं, तो ऑलरेडी ये हमारे इंडिया में बहुत जगह पे लग चुका है। तो यहाँ पर मैम, यहाँ पर प्रोडक्ट तो आपके पास काफ़ी रेंज है, काफ़ी तरीके के यहाँ पर आप, और इन हाउस आप बना रहे हो मेड इन इंडिया के अंदर। जैसे बात करें बिजनेस की, आप बिजनेस किस तरह से करते हैं? हम थ्रू एक्चुअली डीलर डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं, प्लस हमारा एक OEM का मॉडल है, और हमारे पास सिस्टम इंटीग्रेटर रहते हैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए। हम डायरेक्टली कोई भी इस तरीके का बिजनेस हम सिर्फ सप्लाई करते हैं, थ्रू हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ये बिजनेस करते हैं। तो क्या कुछ अगर कोई आपकी कंपनी से जुड़ना चाहे, अपने यहाँ ये सेल करना चाहे, क्या कुछ क्राइटेरिया रहने वाला है उनके लिए? उनको अपने हम कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का फॉर्म होता है, वो हमसे कांटेक्ट करे, वो फॉर्म ले, उसे फिलअप करके हम लोगों को सेंड करे, उसमें हम उनका कुछ फाइनेंशियली रिकॉर्ड चेक करते हैं, और वो अपनी हमसे कुछ कंपनी की इन्फॉर्मेशन देंगे, वो चीज़ें करेंगे, और फिर एक सिंपल सा फॉर्म भर के वो हमसे जुड़ सकते हैं। और इस पे जैसे ये सर्विसेज का, वारंटी का, ये सब क्या इश्यू रहते हैं? वारंटी हमारा पे सर्विस सेंटर है, काफ़ी सारे सिटीज़ में है, और
सर्विस हम मोस्टली प्रोडक्ट पे 2 ईयर्स की वारंटी दे रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स में 5 या 3 ईयर्स की भी वारंटी देते हैं, एक्सटेंडेड वारंटी देते हैं। तो वो जब वारंटी में रहता है उनको हमारे सर्विस सेंटर भेजना होता है, हम रिपेयर करके उनको सेंड बैक कर देते हैं। तो मेनली आप कहाँ कहाँ डील करते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉडीज है या और? मोस्टली हमारा बिजनेस जो है गवर्नमेंट से ही आता है, मोस्टली गवर्नमेंट हमारे सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट से आते हैं। तो मैम अगर कोई आपके से कॉन्टैक्ट करना चाहे एज ए बिजनेस, कैसे कॉन्टैक्ट कर सके? वो हमारे को हमारी वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का फॉर्म है, वहाँ पे फिलअप करे, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, फिर हम उनको कॉन्टैक्ट बैक करते हैं। तो कार्ड शो कर सकते हैं जिस पे वेबसाइट हो। एंड मैम एट लास्ट में आप अपनी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? हमारी कंपनी जो है पिछले 20 वर्षों से मेड इन इंडिया के विज़न पे लगी हुई है। सारा कंपनी हमारा प्रोडक्ट है वो मेक इन इंडिया है, तो हम लोग उसे चाहते हैं कि वो मेक इन इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और मोदी जी के विज़न को और आगे बढ़ाए और हमें सपोर्ट किए। चलिए मैम, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।